बड़ा ही मजेदार दिन चढ़ा है क्योंकि शुरुआत हो रही है। माता जी आलू के पराठों से मम्मी आई है, मम्मी ने पराठे लगा दिए हैं, मजा आ गया। पतला तो तू हुआ नहीं है? और मोटा हो जाएगा परांठे खा के। कोई बात नहीं, बस अब थोड़ी सी तैयारी करनी है क्योंकि अब आपको पता है वो दिन आने वाला है जिसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। खाना ठीक करेंगे तो फिट भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दिन आ रहे हैं मोटर होम ट्रिप के। और आज मोटर होम ट्रिप की तैयारी करनी है, हफ्ते 10 दिन के अंदर निकलने का प्लान है। और अभी डिस्कशन चल रही है, मैं भाई से बात कर रहा हूँ कि मम्मी को साथ लेके जाया जाए या नहीं, क्योंकि रिस्क कोविड वगैरह वाले कैलकुलेट करके। बट उन सब पे थोड़े टाइम में बात करेंगे, मगर फिलहाल आज क्योंकि मोटर होम ट्रिप की तैयारी करनी है तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कपड़े बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है और कुछ मोटर होम के इक्विपमेंट भी, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में, क्योंकि फिर अब हफ्ते का ही टाइम रह गया, हफ्ता 10 दिन सब मोटा ऐसे ही। The dal is best when had next morning, reheated and ate with parathas. Yeah, it's thicker. Yeah, it's thicker, exactly. Oh, and there is also, mummy also made coconut chutney. Achha, Mata ji, aise hi chal rahe hain phir, hain? Aap rest karo kyunki aapne raat ko badi mehnat kari hai. 3 baje tak mummy kal TV dekh rahi thi. सीरियल एक के बाद एक, नींद नहीं आ रही थी तो फिर देखती थी। चलो ठीक है, आप रेस्ट करो, रात को फिर नाइट लगानी है। मैं ऊपर जा रही हूँ धूप पे, मेरे कमरे में धूप आती है। वाह वाह वाह, सीखो सीखो, चल ओके बाय बाय। अब क्योंकि जी घूमने जाना तो थोड़ी सी अपीयरेंस वगैरह, क्योंकि लविंग सब्सक्राइबर्स कुछ कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखो यार अपना, तो इसलिए ट्रिमिंग मशीन वगैरह हो गई, कपड़े वपड़े जिनकी जिम्मेवारी थोड़ी बहुत अब इन्होंने ले लिया। यू कैन हेल्प मी डिसाइड माय न्यू क्लोथिंग लाइन? यस, दैट्स द टारगेट टुडे। बहुत सोच समझ के बोला क्योंकि उसको पता है मैं बड़ा ओखा इंसान हूँ, आई एम वेरी डिफिकल्ट विद दैट काइंड ऑफ स्टफ। Thank you for telling it yourself. No. yeah. तो इसीलिए बेचारी को थोड़ी मुश्किल तो आएगी। This is one thing where you lack a bit of patience at times. Yeah. Because I am like, yaar, I cannot spend more than half an hour for shopping clothes. Half an hour, 5 minutes. Yeah, because I'm a little impatient with that. I'm more keen about electronics because we have to pick some cool equipment also we will be needing for this trip for that sure. That you can spend hour and hour. ये आ गया जी ऑटो का फेमस बेशोर मॉल, और ये हमारा मॉल। फॉल पार्किंग अवेलेबल, गो एनीवेयर यू वांट, द मॉल इज योर्स। Why are you going in the Walmart parking? You could have parked right there and we could have entered straight from here. What? But I'm basically go anywhere, doll. Go anywhere does not mean go on the roof. Do you want to go to Walmart? Sorry. Too late. Are yaar, sorry. Francais, désolé. मॉल की पार्किंग ऑलमोस्ट सारी खाली है, बस गड्डी इतने ला के वड्डा कैमरा अंदर पा के हूँ असी चले हैं, कपड़े शपड़े लेने और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी सामान वामान लेके मैं निकल। दिस आई विल नीड अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रिप बिकॉज इसकी मेरे को जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जाम जाने लगे वहाँ सन बहुत होगा। Let me check. Not your palette. Not my color palette? No. Okay. No, this is like round neck. I don't wear round neck. Yes, you do now. It fits you well. Yeah, you tried one with your brother. It was perfect. How about this one? This style is done. What do you mean this style is done? You wore too much of those. Okay. This is nice also. अब मैं जी पहनता रहूँगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो 4 साल से कॉलर या फिर हुडीज, राउंड नेक मैं पहनता नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, मैं मोटा हूँ, मेरी गर्दन मोटी है। बट अब मैडम कह रही है कि राउंड नेक शुरू करो। यू हैव एनफ हुडी। इफ यू रियली वांट अ हुडी, एट लीस्ट टेक समथिंग डिफरेंट, नो, लाइक दिस वन। Still a hoodie.
Yeah, but different style. It doesn't look like you're wearing the same thing every day. Okay. Because I have like 4 or 5 black hoodies. All of them look alike. Everybody think I wear the same all the time. बीबी खर्चा कराएगी यार। Don't zip it completely. I like very much. Yeah. Without the jacket, just the thing. I think I do. Yeah, it's nice. Yeah. Do you? Yeah, it is good. I don't look fat in it. ठीक है अच्छा ढीला ढीला पहनो ना मोटापा बचता है. I like. You like? Yeah. Someone fresh look of traveling desi? Like it very much. Yeah, okay. I think I need to invest a little more in clothes because कैमरा मैं इतने खरीद लेता हूँ महंगे महंगे ट्रैवल पे भी खर्च जाता है थोड़ा कपड़ों भी कर लें क्योंकि अभी मेरी जान निकल गई है क्योंकि ये मैडम सारा सामान उठाती है बिना रेट देखे क्योंकि ये कह रही है भाई या तो तू चला जा विनर मार्शल और 8 हुडियां ले ले और मैं जा रही हूँ घर मैं या फिर जो मैं उठाऊंगी चू नहीं करनी मैं कहा ठीक है मैडम आप भी लो जो लेना तो पहला राउंड हो गया 4-5 चीजें ठीक निकल आई हैं बाकी मैं बोलूंगा तू ही जाके ले आई हो क्योंकि जब मैंने मेरी चलनी ही नहीं है तो मैडम ही लेके आए अब बस मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा जो मेरा काम है I don't know what you said, but I heard a lot of madame, so I'm curious. I was saying I have a perfect friend, fiance, and would be wife. Very patient. Yeah, very patient with with your face right now. You don't look patient. $500 की शॉपिंग 25,000 से 5 कपड़े अभी जो मेरा लेंस है ना ये वाला 16-35 ये 16 mm अगर मैं जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऐड कर देता हूँ सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी तो वो उसको क्रॉप कर देता है तो व्यू थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो व्यू को और एक्सपैंड करने के लिए मैं 12 वाला चेक कर रहा हूँ कैसा आता है इसमें व्यू ओह वेरी वाइड आई विल पुट इट ऑन एक्टिव स्टेबलाइजेशन स्टैंडर्ड ये इतना क्रॉप हो जाता है अब जी मैं लेने आया हूँ कुछ जुगाड़ जिससे ये हो जाए कि अभी मेरे पास जो वायरलेस माइक है उसमें 2 माइक आते हैं एक इनपुट है तो 2 लोगों की ऑडियो हो सकती है पर मैं इसके ऊपर एक मिक्सर लगाना चाहता हूँ जिसमें 2 वायरलेस माइक के सेट्स की इनपुट आए यानी 4 माइक्स की ताकि 4 लोग इकट्ठे बात कर सकें मेरे को पोस्ट में मुश्किल ना पड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा तो मैं ये एक कन्वर्टर लेके आया हूँ जो कैमरे के ऊपर लग जाएगा अच्छा। और एक ये इसमें जाएगा रिसीवर और एक इसमें तो हमारे पास 4 माइक की ऑडियो इस डिवाइस में आएगी और ये सीधी उसको कैमरे में भेज देगा तो हम अप टू 4 पीपल जैसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है एक आपको लगा हुआ है एक सैंड्रा को लगा हुआ है तीनों आपको बढ़िया नज़ारे दिखा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फैसला ये होने वाला है कि शायद माता जी मान जाए मेरे बड़े भाई से परमिशन मिल जाए मोटर होम ट्रिप पे तूने मुझे नजारे दिखा दिए ललचा दिया नजारे दिखा के वीडियो में मम्मी को मैंने बड़ी तरह की रिश्वतें ऑफर करी हैं इस ट्रिप के लेके आप साथ चलो मेमोरी कार्ड क्योंकि इस कैमरा जो नया कैमरा लिया ना उसमें हाई एंड कार्ड डलते हैं तो ये 128 GB यानी हाई कैपेसिटी का है ताकि हम खूब सारी शूटिंग करेंगे तो उसमें एक खाली ना हो जाए $300 का ये है मैनफ्रोटो ट्राइपॉड
क्योंकि हमारे साथ कोई चौथा कैमरामैन नहीं है इस बार, हम तीनों ही अब कैमरामैन हैं, तो ये ट्राइपॉड यूज करके जैसे हमने थंबनेल के लिए सेल्फी लेनी है इसको लगाया, तीनों सामने खड़े हो गए, फोटो आ गई, ठीक है ना। ये सारा सामान तकरीबन $1000 आया, $1000 का खर्चा। मगर अब आ जाती है दिलचस्प बात, माता जी के आशीर्वाद और आप लोगों के सपोर्ट से इंस्टा 360 ने मेरे को अपना लेटेस्ट कैमरा इंस्टा 360 1X2 भेजा मम्मी फ्री में। अच्छा हाँ, तो सर आप यूज करो हमारा। मैं कहा ठीक है यार, क्योंकि अभी मैंने पीछे इनका वो जो 1X R था वो पैसों में खरीदा था, मगर सिर्फ कैमरे के साथ उन्होंने देखो कितना सामान भेजा है। इसका कैरी केस, इसकी एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक, इनविजिबल सेल्फी स्टिक, और ये इसके चार्जर और एक्सेसरीज हैं, और ये कार माउंट। अब हम जहाँ जा रहे हैं मोटर होम के यहाँ एक कोने पे लगाएंगे, पूरा अंदर से मोटर होम का 360 डिग्री व्यू उसके अंदर कैप्चर होगा। वो जैसे मैंने एयरप्लेन की बिजनेस क्लास वाली वीडियो बनाई थी ना, ये हो गया ट्राइपॉड, इसके साथ है ये हो गया कवर लेंस का, ताकि इसके लेंस जो है वो खराब ना जाए, गिर के टूट ना जाए, क्योंकि उसमें दो लेंस होती है कैमरे में। ये आ गया इसका मल्टीपल बैटरी चार्जर, और ये आ गई इसकी बुलेट टाइम स्टिक। फिर चाहे वो कुदियां मारनी हो, छलांगे मारनी हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पानी में, रेत में। अच्छा हाँ, मैं तो नहीं मार सकती। अरे मम्मी दूसरी चीज ये भी है कि हमने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करके जानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो घर हमने बनाना है अपना, उसमें आर्किटेक्ट से अप्रूवल लेने के लिए आर्किटेक्ट का नक्शा बनवा के हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि उस काम में अगर आर्किटेक्ट ने बना दिया, उसने रिवीजन कराई, फिर वो सिटी को अप्रूवल के लिए नक्शा पास कराना पड़ेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा। तो जो हम जा रहे हैं उन दिनों में पीछे से अगर वो काम हो जाए तो हम आते में फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा पाएंगे ना अपने नए घर पे, तो इसलिए वो सारा उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ, और तैयारी पूरी है, चाहे वो सामान मेहनत हो, कमी कोई नहीं छोड़नी। इस बार बहुत जबरदस्त ट्रिप बना के आनी है, लंबी मजेदार। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।